अमेरिका में मुकीम जदीद तरीन इलाज के माहिर माया नाज पाकिस्तानी नजात डॉक्टर इम्तियाज अहमद के मुताबिक सिर्फ स्पर्म टेस्ट से मर्दाना बांझपन को जांचना ना काफी है, क्योंकि डॉक्टर इम्तियाज अहमद जदीद रिसर्च के मुताबिक वेरिकुसील और उसके इलाज की बात करते हैं। यही नहीं बल्कि डॉक्टर साहब इस बीमारी का बगैर ऑपरेशन इलाज करने के माहिर हैं। कामयाब इलाज के बाद मरीज 3 से 4 घंटे में मुकम्मल तौर पर न सिर्फ ठीक हो जाता है बल्कि अपने घर भी चला जाता है। याद रहे कि इसका इलाज ऑपरेशन के जरिए भी किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन और एनेस्थीजिया की कॉम्प्लिकेशंस के अलावा इस ऑपरेशन का फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। लेकिन वेरिकोसील है क्या? डॉक्टर इम्तियाज अहमद के मुताबिक वेरिकोसील स्क्रोटम में सूजन वाली रगें हैं। वेरिकोसील एक तरफ या खसिये की दोनों अतराफ हो सकती है। आम वेरिकोसील बीमारी, जिसे अक्सर टेस्टिकुलर वेरिसीज कहते हैं, आमतौर पर बाईं जानिब होता है। इस हालत से खसिये फैले हुए हो सकते हैं। आपका डॉक्टर इम्तियाज अहमद या उनके असिस्टेंट मुआयना करेंगे। तशखीस को कंफर्म करने के लिए आपका डॉक्टर डॉपलर अल्ट्रासाउंड का हुक्म देगा कि वो स्क्रोटम में रग की तस्वीर लेगा और स्क्रोटम में सूजन की वजह की तस्दीक करेगा और आपका डॉपलर अल्ट्रासाउंड लिटा के और खड़ा करके किया जाएगा। डॉक्टर इम्तियाज अहमद के मुताबिक वेरिकोसील में ऐसी अलामत नहीं होती हैं जिनको फौरी तौर पर पहचाना ना जा सके। मर्दों को आम तौर पर ये एहसास नहीं होता कि उन्हें इस बीमारी का सामना करना पड़ता है जब तक कि डॉक्टर मुआयना ना करे। बाज़ औक़ात एक शख्स अपना स्क्रोटम को बढ़ा हुआ महसूस कर सकता है लेकिन तकलीफ दे नहीं, या महसूस होता है कि उसके खसिये ज्यादा भारीपन या गर्मी महसूस करते हैं। ताहम डॉक्टर इम्तियाज अहमद के मुताबिक अगर आपको अपने खसियों में वेरिकोज रगों की कुछ अलामत महसूस होती हैं तो आपको दर्द सेल का तजुर्बा हो सकता है। एक खसिये में अचानक नर्म गिल्टी या गांठ नमूदार होना, स्कॉट्रम सूज जाता है और जब दबाया जाता है तो उसमें तकलीफ महसूस होती है। टेस्टों में खून की रगों की लाइन तोसी होती है या लकीरें भी मुड़ जाती हैं। लंबे अरसे तक दर्द रहता है या फिर तकलीफ देता है। पेशाब करते वक्त, चलते फिरते, सोते हुए, यहाँ तक के जिंसी ताल्लुकात के दौरान भी जब आपको दर्द महसूस होता है तो इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। इस मसले के लिए डॉक्टर की तशखीस ज़रूरी है। अगर आप औलाद के हुसूल में परेशान हैं और इनमें से चंद अलामात का सामना भी कर रहे हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जदीद रिसर्च के मुताबिक शादीशुदा जोड़ों में 43% मर्द बांझपन का शिकार होते हैं, जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और अमेरिका में मुकीम डॉक्टर इम्तियाज अहमद, जो कि 27 सालों से वहां मुकीम हैं और इन्हीं बीमारियों पे न सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं बल्कि इस इलाज के माहिर माने जाते हैं, जो कि अमेरिका में दुनिया भर के लोगों का सिर्फ यही नहीं बल्कि इंशाल्लाह फिर जल्द ही आप औलाद की नेमत से मालामाल हो सकते हैं और अपनी जिंदगी में वो सब रंगो नूर देख सकेंगे जिसका आपको अरसे दराज तक इंतजार रहा। दुनिया भर में औरतों और मर्दों के बांझपन का इलाज करने के माहिर डॉक्टर इम्तियाज अहमद की हमेशा यही कोशिश रही है कि लोग इलाज की गर्ज से उनसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा करें। आप बिना किसी खौफ और झिझक डॉक्टर इम्तियाज अहमद से राबता कर सकते हैं। आप अपनी वेरिकोज वेन का अल्ट्रासाउंड और दीगर रिपोर्ट व्हाट्सएप करें
0330-296-3300. डॉक्टर इम्तियाज अहमद की लेटेस्ट वीडियोस देखने और आपके सवालात और उनके जवाबात न्यूयॉर्क अमेरिका से बराह रास्त लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फौरी सब्सक्राइब करें।